क्या फिर से शुरू होगा अक्षय कुमार और सनी देओल में मुकाबला? क्या फिर से आमने सामने आए सनी देओल और अनिल कपूर? कौन है गदर 2 फिल्म की टारगेट ऑडियंस? दोस्तों लगता है कि अक्षय कुमार और सनी देओल के बीच फिर से कोई अनबन होने वाली है। और फिर से का मतलब ये है कि 1997 में जिद्दी नाम की रिलीज हुई फिल्म में सनी देओल और रवीना टंडन साथ में काम कर रहे थे और उस वक्त रवीना और अक्षय कुमार का अफेयर चल रहा था। उस वक्त उनके ब्रेकअप की चर्चा भी चल रही थी, इसी वजह से रवीना सेट पर काफी इमोशनल हुई थी। फिर रवीना को समझते हुए सनी ने अक्षय को समझाने की कोशिश की, पर उल्टा उनमें ही थोड़ी सी अनबन हो गई। वैसे ये अनबन तब खत्म हुई जब ट्विंकल खन्ना ने अक्षय और उनकी शादी का कार्ड सनी को दिया। पर अब गदर 2 जो सनी की जान है, उसी वक्त अक्षय अपनी फिल्म OMG 2 रिलीज कर रहे हैं और इस क्लैश की कोई जरूरत नहीं थी, पर फिर भी ये हो रहा है। अब इसमें अक्षय की कोई गलती नहीं है, ये तो उनके मेकर्स ने डिसाइड किया है। पर इस झमेले में कभी मेकर्स नहीं फंसते, बल्कि दोस्तास में ही अनबन या फिर कोल्ड वॉर हो जाता है। वैसे सनी देओल की गदर 2 के संग रणबीर कपूर की एनिमल फिल्म भी 11 अगस्त को टकराने वाली है और इस फिल्म में अनिल कपूर भी नजर आने वाले हैं। वैसे अनिल कपूर और सनी का भी 36 का आंकड़ा रह चुका है। दरअसल इनकी फिल्म जोशीले से इन दोनों में बड़ी खटास आ गई थी। इस फिल्म में सनी देओल का बड़ा रोल होने के बाद भी क्रेडिट में अनिल कपूर का नाम था, इसी वजह से सनी काफी गुस्सा हो गए थे। फिर राम अवतार फिल्म की शूटिंग के दौरान एक फाइटिंग सीन में सनी ने अनिल का गला इतनी जोर से पकड़ा था कि बाकी मेंबर्स को बीच में आना पड़ा। दरअसल सनी को अपना गुस्सा कंट्रोल करने में काफी दिक्कत होती है, इसी वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में चुनिंदा लोग ही उनके दोस्त हैं। पर अब एनिमल फिल्म में अनिल कपूर का परफॉर्मेंस और गदर 2 में सनी का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, और अगर एनिमल की वजह से गदर 2 को कोई नुकसान हुआ तो सनी तो आग बबूला हो जाएंगे। 11 अगस्त 2023 कैलेंडर में तारीख आप मार्क करके रख लीजिए। वैसे आप इस तारीख को भूलेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप सच्चे फिल्म प्रेमी है ना, तो आपको पता होगा कि इस दिन 3 बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है, गदर 2, एनिमल और OMG 2। वैसे अगर इनकी टारगेट ऑडियंस की बात की जाए तो सनी देओल की गदर 2 एक फैमिली ड्रामा है, तो इसे पूरी फैमिली के साथ देखा जाएगा और इंजॉय किया जाएगा, और साथ ही साथ यंग जनरेशन को भी यहां पर टारगेट किया गया है। अक्षय कुमार की OMG पार्ट 2 में फैमिलीज को टारगेट किया गया है, क्योंकि ये भी एक इमोशनल कहानी है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल की बात करें तो ये एक हाई वोल्टेज ड्रामा है जो यंगस्टर्स को टारगेट करता है। अब देखते हैं कि कौन सी फिल्म हमें इम्प्रेस करने में कामयाब हो पाती है। तो दोस्तों क्या आप एक्साइटेड हैं इन फिल्मों के लिए, और सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्म की एक्साइटेड है ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।